दिख सभी को 21 वन नॉट की तरफ से जय हिंद अभी आप लोगों ने सबने पे आउट समझ लिया होगा उम्मीद है कि आप सबको सबको समझ में आ गया होगा और पे आउट समझने के बाद अब हम एप्लीकेशन डेमो की तरफ आगे बढ़ेंगे इस एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है इसमें ये जानेंगे पहले तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए आपको ट्वेंटी वन नॉर्थ एम्बेसडर एप्लीकेशन सर्च करना पड़ेगा वहाँ पे जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आपकी आई बन जाएगी जब ट्वेंटी वन नॉर्थ सिस्टम में उसके बाद आप उस एप्लीकेशन में लॉग इन कर पाएंगे और लॉग इन करने के लिए जब आपकी आईडी बनेगी आपका फोन नंबर ही आपका यूजर आईडी होगा और पासवर्ड आप अपने टीएल से भी ले सकते हैं या फिर फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करके ओटीपी मंगवा सकते हैं लॉग इन करने के लिए आपको हर रोज सुबह ये सारे ऑन करने पड़ेंगे अपना टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा और टेम्परेचर सेट करने के बाद आपको अपनी सेल्फी लेनी है सेल्फी लेने के बाद आप साइन इन हो जाएंगे और आप अगर फुल डे शिफ्ट में हैं तो आपको सुबह पांच से छह बजे के बीच में ही लॉगिन करना है लास्ट लॉगिन जो फुल डे शिफ्ट के लिए होता है वो 6 पंद्रह का कट ऑफ टाइम होता है अगर आप इससे लेट लॉगिन करते हैं तो आपको ले, लेट लॉगिन अलाउ नहीं करने देगा आपको अपने टीएल से परमिशन लेनी पड़ेगी दूसरा आपकी अगर आप मिनिमम गारंटी में कवर्ड हैं आपकी मिनिमम गारंटी इससे इफेक्ट हो जाएगी एक बार लॉगिन होने के बाद आपके पास ये आ, फ्री अवेटिंग टास्क वाला होम पेज आता है इस होम पेज पे आप अपनी ऑन टाइम परफॉर्मेंस कैश इन हैंड Uh, और बहुत सारी चीजें आज कितना कमाया कितने मिस्टर्स किए ये सब देख सकते हैं और साथ के साथ आप एम्बेसडर मेन्यू पे क्लिक करके अपना पे आउट डिटेल मंथली पे आउट डिटेल बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप कौन अगर कस्टमर ने कैश दे दिया है कौन से बैंक में वो कैश जमा कराना है आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है वो सब आप चीजें यहाँ पे इंक्रीमेंट डिडक्शन देख सकते हैं यहाँ पे अब हम बात करते हैं पिकअप टास्क की सो तो पिकअप टास्क जब हमारे पास आता है सो कुछ इस तरीके से वो पिकअप टास्क आता है हमें एक्सेप्ट करना होता है एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास एक मेन्यू एक पॉपअप आएगा आ, कि आपको ये टास्क एक्सेप्ट करना है तो आप ओके okay पे क्लिक कर देंगे और टास्क एक्सेप्ट हो जाएगा वो उसके बाद आप कस्टमर को कॉल करते हैं कस्टमर को कॉल करने के लिए आप ये स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं गुड मॉर्निंग सर मैडम मैं 21 वन नॉर्थ से बात कर रहा हूं अपना नाम बता सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सर्विस सेंटर जिस भी सर्विस सेंटर की पिकअप आपके पास आई है आ, आ, सर मैडम मैं आपके पास आ रहा हूं आप मुझे अप, अपना एड्रेस कंफर्म करवा दीजिए और कस्टमर से लैंडमार्क मिलने के बाद आप कस्टमर को बोल दीजिए कि सर मैं मैडम आपके पास मैं इतने बजे तक पहुंच जाऊंगा प्लीज अपनी गाड़ी आ, पूरी तरह से अपनी खाली कर दीजिएगा पूरी वैल्यूएबल्स निकाल लीजिएगा और आरसी इंश्योरेंस की फोटोग्राफ आप आ, लेनी है मुझे तो वो आप आरसी इंश्योरेंस रेडी रखिएगा और आपको जो स्टॉक टास्क करना है वो सिर्फ गाड़ी के सामने पहुंचने के बाद ही करना है स्टॉक टास्क अगर कस्टमर का एड्रेस गलत है आपकी कस्टमर से बात हो गई कस्टमर का एड्रेस गलत है तो आप रॉन्ग एड्रेस की टिकट डाल सकते हैं कस्टमर को तीन बार फोन कर लिया फोन नहीं उठा रहे तो नॉट आंसरिंग की टिकट डाल सकते हैं क्या अगर कस्टमर ने कैंसिल कर दिया है कस्टमर किसी कारण से मना कर रहा है तो आप कैंसिल की कैंसिल पिकअप की टिक टिकट डाल सकते हैं मोबाइल नंबर गलत है मोबाइल रॉन्ग नंबर की टिकट डाल सकते हैं कस्टमर नेम गलत है तो नेम कस्टमर नेम की टिकट डाल सकते हैं आप जब आप गाड़ी के सामने पहुंच जाएंगे पहुंचने के पहुंचते ही आपके पास ये तीन फोटोग्राफ्स का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको अपना मास्क पहनना है ग्लव्स की फोटोग्राफ लेनी, लेनी है और शूज की फोटोग्राफ लेनी है सो ये फोटोज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इससे पता चल, इससे पता पता चल भी भी ये भी चलता है कि आपने वर्दी पहन रखी है आईडी कार्ड पहन रखा है और आपने जूते पहन रखे हैं कि नहीं पहन रखे हैं जब भी आप कस्टमर लोकेशन पे पहुंचे कस्टमर को दूर से ही नमस्कार करें और किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेटेड पार्किंग हो जहां ज्यादा भीड़ भाड़ वाली पार्किंग हो वहां से गाड़ी को बाहर ना निकालें कस्टमर को रिक्वेस्ट कर दें आराम से कि सर मैडम प्लीज आप ये पार्किंग से निकाल के दे दीजिए गाड़ी और गाड़ी जो भी आपको चलानी है वो बिल्कुल केयरफुली चलानी है जब आप कस्टमर के पास पहुंच जाएंगे तो उसके बाद गाड़ी की फोटोग्राफ खींचने से पहले आपके पास ओ का एक पेज आएगा इस ओ पेज पे आपके पास एक क्यू कोड नजर आएगा और कस्टमर को वो क्यू आर कोड स्कैनर स्कैन करना है जैसे ही कस्टमर वो क्यू आर करेंगे तो वो स्कैनर उनको व्हाट्सएप पे ले जाएगा और एक लिखा-लिखाया मैसेज उनके फोन में आएगा उनको वो मैसेज पे जस्ट सेंड बटन पे क्लिक करना है जैसे ही वो सेंड बटन पे क्लिक करेंगे आप इस पेज से आगे बढ़ जाएंगे केस कस्टमर वहां पे अवेलेबल नहीं है या कुछ और उन आ, ये क्यू आर कोड नहीं काम कर रहा है आप ओ टीपी की टिकट भी लगा सकते हैं ओ टी पी आएगा उसके बाद जो आपको तीसरी स्क्रीन में ये दिखाया गया है वहां पे ओटीपी डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं या टिकट डाल सकते हैं फिर उसके बाद आपको गाड़ी की उन्नीस फोटोग्राफ खींचनी है जिसमें एक फ्रंट व्यू होगा चार लेफ्ट साइड की होंगी तीन रियर साइड की होंगी और फिर उसके बाद चार राइट साइड की अगेन ठीक है आरसी इंश्योरेंस और पांच अंदर की फोटो होंगी जिसमें कि मीटर रीडिंग होगी ग्लोब बॉक्स खोल के फोटो लेनी है सेंटर कंसोल की लेनी है सीट कवर लगा के फोटो लेनी है और एक चाबी की फोटोग्राफ लेनी है और सबमिट पे क्लिक करना है नेक्स्ट पेज में ये सारी फोटोग्राफ मेंशन की गई हैं और ये एग्जांपल के तौर पे आपको ये फोटोग्राफ दिखाई गई हैं कि इस तरीके से हमें हर पोर्शन को अच्छे तरीके से कवर करना है और किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं करनी है फोटो खींचने में क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए ही हैं ताकि आपके ऊपर कोई ब्लेम ना कर सके कि मेरी गाड़ी को कोई नुकसान कर दिया इस तरीके से आप साफ सुथरी फोटोग्राफ ले सकते हैं अगर कस्टमर के पास आरसी या इंश्योरेंस में से कुछ मिसिंग है तो आप नो no आरसी या नो इंश्योरेंस की टिकट डाल सकते हैं इंश्योरेंस अगर है बट एक्सपायर्ड है तो उस केस में भी आपको नो no इंश्योरेंस की टिकट लगानी है गाड़ी अगर रनिंग कंडीशन में नहीं है या उसकी ब्रेक अच्छे से नहीं लग रही है या क्लच अच्छे से नहीं चल रहा है सो तो आप वहां पे की टिकट लगा सकते हैं फिर उसके बाद डिजिटल uh, की बारी आती है यहाँ पे आपको uh, दोबारा से फ्यूल रीडिंग डालनी है अपने आप मैनुअली सेलेक्ट करनी है और किलोमीटर रीडिंग में किलोमीटर आपको डालने हैं अगर अः uh, यहाँ पे uh, छह डिजिट जैसे मांगे गए हैं किलोमीटर रीडिंग के अगर गाड़ी सिर्फ अः uh, फोर डिजिट ही चली है किलोमीटर में या फाइव डिजिट ही चली है तो आपको एक या दो जीरो उसके सामने लगानी पड़ेंगे और छह जीरो डिजिट पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे और जो भी सामान ये आपको याद करवाने के लिए है कि आप इनमें से कोई भी सामान अपने साथ ना लेके आए अगर कोई भी सामान साथ लेके आते हैं तो वो सामान आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं उसके बाद एक आपको रिमाइंडर आएगा कि आपने सारी वैल्यूएबल्स निकाल दी हैं और कस्टमर को हैंडओवर कर दी हैं वो करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं देन आपके पास सर्विस और कंप्लेंट्स का ऑप्शन आएगा आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि सर आपकी गाड़ी में क्या इश्यू है अगर कुछ आ, नहीं आ, आपको लग रहा है कि आपको आ, आपके दायरे से बाहर है ये चीज तो आप पेड सर्विस सेलेक्ट करके या जो भी आपको समझ में आए वो वो ऑप्शन सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं देन जैसी ये सब फॉर्मेलिटीज आप कंप्लीट कर लेंगे आपको ऑन द वे टू सर्विस सेंटर होना है और यहाँ पे एक स्टार्ट टास्क का ऑप्शन आएगा आपके पास बट ध्यान रखना है कि आप ये स्टार्ट टास्क तभी करें जब आप कस्टमर प्लेस से बिल्कुल निकलने के लिए रेडी हैं बिकॉज कस्टमर प्लेस जैसे ही आप ये स्टार्ट टास्क करेंगे और कस्टमर के 500 मीटर के दायरे के अंदर रह के करेंगे तो आपका ईटीए स्टार्ट हो जाएगा अगर आप कस्टमर के पांच मीटर दायरे से बाहर आ गए तो ये स्टार्ट टास्क नहीं हो पाएगा फिर उसके बाद आपको सर्विस सेंटर पे पहुंचने के बाद ही स्टॉप टास्क एक्टिवेट होगा एट एसवीसी टास्क कई बार क्या होता है कि एक ही लाइन में दो सर्विस सेंटर होते हैं पांच सौ मीटर के अंदर तो आप हिंडाई के भी हो सकते हैं वो टाटा के भी हो सकते हैं किसी के भी वो दो सर्विस सेंटर एक साथ हो सकते हैं पांच सौ मीटर में तो आपको स्टॉप टास्क करने से पहले एक बार वेरीफाई कर लेना है कि क्या मैं सही सर्विस सेंटर में गाड़ी छोड़ने वाला हूँ या कहीं कुछ गलती तो नहीं करने वाला हूं तो एक बार वेरीफाई करने के बाद ही सर्विस uh, सेंटर का नाम मैच करने के बाद ही स्टॉप टास्क करें और उसके बाद वापस से आपके पास आपके मास्क ग्लव्स शूज की फोटोग्राफ आएंगी वो आपको खींचनी है फिर गाड़ी की फोटोग्राफ आएंगी जैसा कि पहले एग्जांपल में दिखाया गया है हमें उसी तरीके से साफ सुथरी फोटोग्राफ खींचनी है और फोटोग्राफ खींचने के बाद गाड़ी को उसी जगह छोड़ना है जहां एक नॉर्मल कस्टमर आके गाड़ी हैंडओवर करता है एडवाइजर को या सीआरई को आपको कहीं कॉम्प्लिकेटेड जगह पे वो गाड़ी पार्क नहीं लगानी है और एडवाइजर या सीआरई अगर आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि गाड़ी कॉम्प्लिकेटेड पार्किंग में लगा दो तो प्लीज उनको बड़े आराम से प्यार से आप मना कर सकते हैं कि नहीं सर मैडम हमारे ये एसओपी में अलाउड नहीं है इस पार्किंग में लगाना हम यहीं पर ड्रॉप कर सकते हैं गाड़ी सिर्फ सो so, उसके बाद दोबारा से वही ओ का स्कैनर एडवाइजर से या रजिस्टर्ड जो भी सीआर का नंबर हो उससे स्कैन करवाना है और स्कैन करवा के वो भी जो लिखा लिखा मैसेज आएगा उनके पास व्हाट्सएप पे उनको वो जैसे ही वो व्हाट्सएप पे उसको मैसेज को सेंड बटन दबाएंगे सेंड बटन दबाने के बाद वो आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा और आप फ्री अवेटिंग वाली टास्क वाली स्क्रीन पे वापस से आ जाएंगे सो so ये हमारा इस तरीके से पिकअप का टास्क कंप्लीट होता है ड्रॉप ऑफ के टास्क के लिए प्लीज आप नेक्स्ट वीडियोस को देख सकते हैं धन्यवाद जय हिंद